हराम गोर, मेरा ही खाता है, मेरा ही दारू पीता है और मुझे इलाज मारता है। मैं तो सुनाला दारू पीने के बाद जो भी शेर बन जाता है और तू घोड़े से गधा बन गया। घर में बताता हूँ, एक दूंगा। अरे इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हैं? अरे मेम साहब, आप इसे बेजुबान कहते हैं, ये बहुत हरामी है। आजकल का घोड़ा है ना, बेईमान में आदमी से चार कदम आगे भागता है। जब दारू पीने का टाइम आता है ना, कुत्ते की तरह दूम हिला रहा है और मैं जब इस पे किसी को बिठाता हूँ उसका हड्डी पसली एक कर देता है। ओह वेरी गुड, मुझे ऐसे ही घोड़े की तलाश थी। वेरी गुड, अस्पताल जाने का इरादा है क्या? मुझे नहीं, मैं एक बहुत बड़ी गप्पी को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो घमंडी कहता है कि वो किसी भी जंगली जानवर को सीधा कर सकता है। मैं उस जंगली को सीधा करके अपने चरणों पे गिराना चाहती हूँ। तो मेरा घोड़ा उसे ऐसा सीधा करेगा कि उस खानदान में कभी टेढ़ा पैदा ही नहीं होगा। लेकिन इस बेवड़े पे खर्च करना पड़ेगा। कितना? अभी बता रहा हूँ। अगर इस घोड़े पे से धक्का मार के उल्टा गिराना है तो एक दर्जन राम, और फुटबॉल की तरह हवा में उड़ाना है तो दो दर्जन राम। बोलिए कौन सा सबक सिखाना है? पूरा दो दर्जन वाला। लाइए माल, लाइए। ये लो, लेकिन ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओहो, अब फिर तो दो दर्जन राम और चाहिए ये जुबान बंद रखने के लिए। मुझे मंजूर है, ये लो। बहुत माल कमाया। आज शाम को दोनों घोड़े लेके झील के किनारे आ जाना। दो घोड़े? दो आदमी को अस्पताल भेजना चाहती हो क्या? नहीं, एक ही को। शराबी घोड़े पर वो हटारी बैठेगा और शरीफ घोड़े पर मैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, भूलना नहीं। नहीं, चल। भूलूंगा कैसे? क्यों बेटे, आज जितना गधापन दिखा सकते हो दिखा डालो। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.